हाय फैंस, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं और मेरा दोस्त विपिन हम लोग जा रहे हैं एक डैम में नहाने के लिए। मेरा गांव का जंगल है, ये आप देख रहे होंगे किस टाइप का जंगल है। एक जंगल के पास में एक पहाड़ है और उस पहाड़ की साइड से एक डैम है, तो उस डैम से अभी हम लोग जाके नहाएंगे और मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा। देखते रहने नाश्तक। हाय फ्रेंड, वो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और हाई करो और मेरे फ्रेंड को आगे बढ़ाओ और उसको मदद करो। दो ये कितना चैनल देख के, ये कितना, ये पूरा पहाड़ी एरिया एक मज़ेदार एरिया है। ये गांव का माहौल है, शांत माहौल है, पूरा वातावरण शांत रहता है और यहाँ का जो नेचुरल हवा, इस हवा से इतना सुकून मिलता है कि लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए गांव में रहना है। लेकिन कुछ कारण की वजह से, इनकम नहीं होने के कारण हम लोग बाहर जाते हैं शहर में काम करने के लिए। लेकिन शहर का जो वातावरण है ना, वो अपना शरीर के लिए हानिकारक है। इसके लिए लोग गांव को प्यार करते हैं, गांव से पले बढ़ के लोग बाहर जाते हैं। अभी हम लोग डैम पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस डैम का नाम है भंडारी डैम और इस डैम में अभी कोई नहीं नहाता है, क्यों ना ये बारिश का मौसम, सॉरी धूप का मौसम चल रहा है, थोड़ा पानी कम है, इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं नहा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे डैम के पास, किलोमीटर दूर है यहाँ से भंडारी डैम से और उसका नाम है झरनघाई। उस डैम लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर है, वहाँ से जाके नहाने से बहुत सुकून मिलता है, तो जा करके हम वहाँ से नहाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे ये कितना बड़ा पहाड़ है, ये देख रहे होंगे पीछे साइड पहाड़ है। इस पहाड़ से आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ से इतना, मतलब कि जानवर आते थे, लोग जाने के लिए डरते थे। अभी जानवर की कमी की वजह से यहाँ पे कोई जानवर नहीं आता है और बारिश होने के बाद जो पहाड़ का पूरा पानी यहाँ का कि जमा होता है डैम में। ये पूरा पहाड़ एरिया आप देख रहे होंगे, इस पहाड़ की पूरा पानी आता है, डैम में जमा होता है। और वो जो घर है ना, वो शमशान घर है, अपना अपना सोसाइटी का, अपना गांव का जो भी मूर्ति होता है ना, वहाँ पे आके वो आग जला जाता है। ये लड़का आ रहा है एक लकड़ी लेकर के साइकिल से। नमस्कार नमस्कार, नाम बताओ तुम्हारा। शुभम। हाँ ठीक है, चलो। अभी इधर एक काजू का पेड़ है, काजू कितना सारा निकल रहा है, देखो कितना सारा काजू का जो ऊपर वाला, क्या बोलते हैं उसको, पांडू बोलते हैं हम लोग, कितना पड़ा है, कितना पड़ा है। ये लोग पहले खाते थे उसको, लेकिन अभी कोई नहीं खाता है, क्योंकि ना पहले थोड़ा लोग गरीब थे और उनके पास इतना सारा खाने को सामग्री नहीं था, इसलिए इसको खाते थे, लेकिन अभी उसको सड़ा जा रहा है। अभी हम लोग डैम के पास पहुंच गए हैं, अभी नहाने वाले हैं डैम के अंदर। आप देख रहे होंगे उस साइड पहाड़ है, चारों साइड पहाड़ है और बीच में डैम है। पहाड़ की सारे पानी इस बीच में डैम पे आता है और डैम पे स्ट्रक होकर रहता है हमेशा के लिए, तो उससे हम लोग अभी नहाने जा रहे हैं। अभी मेरा गांव के कुछ बच्चे लोग आ रहे हैं नहाने के। ये सर जी, हमारा ये तालाब है, लेकिन उधर नहाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। पिंटू बोल रहे, अपना नाम बताओ। मेरा नाम पिंटू है, वो गाँव का मैं लड़का हूँ। हमारा गाँव पे कोई सुविधा नहीं है, वो पानी फैन थोड़ा बराबर सूख के जा रहा है। ये मेरा गांव की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, वीडियो को लाइक करो, लाइक तो बनता ही यार, इतना मेहनत से हम लोग को बना रहे हैं, लाइक तो आप लाइक करना चाहिए। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो यार अपन को। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके दोस्त, ये देख रहे हो क्या, ये ब्रश है, ये गांव का ब्रश है, गांव पे इस ये लोग यूज़ करते हैं इसको।
तो इसको क्या है ना, ऐसा इसको चबाने का शा, जब तक ब्रश बन जाए, इतना चबाओ जब तक ये ब्रश बन ना जाए। ब्रश बन जाने के बाद ऐसा 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 करते हैं। अभी हम लोग नहा रहे हैं डैम के अंदर, इतना सुकून मिलता है, इतना ठंडा पानी है और कहीं जगह पे नहीं मिलेगा ऐसे तो पानी। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाय, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना। मैंने अभी डैम से नहा लिया हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। ये है डैम की चाबी, ये चाबी जब डैम पूरा भर जाता है ना, तब ये चाबी को ओपन करते हैं, तो ये ऊपर आता है, तो पानी इस से इधर इधर से बाहर निकलता है उस तरफ।